स्वागत है रही तो GIT गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के मेंस के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसका ऑलरेडी कैलेंडर डाउनलोड कर लीजिए, या यहाँ पे जो पहले से हम डाउनलोड आपको करवाए हैं तो उसको देख लीजिए। रही तो आप लोगों ने आंसर की मिला लिया होगा, तो क्लिक हियर टू आंसर किट और इसके बाद क्लेम वगैरह कर दिया है। रही तो इसका मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा तो हम आइए आपको सिलेबस दिखाते हैं। या सरकारी रिजल्ट .com पे जो भी मतलब सारे साइटों को जगह कंबाइन करता है, तो इसे सरकारी रिजल्ट .com जैसे आप छोटे छोटे लिंक तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं आपको मेंस में क्या करना है, तो यहां पे देख सकते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी निबंध जो कि आपके 2 घंटे होंगे, 100 अंक के होंगे, तो जिसे ऐसे राइटिंग वगैरह कहते हैं। तो हिंदी निबंध उसके सामान्य हिंदी ये सब रहेगा। उसके बाद सेकंड में ऑप्शनल पेपर रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जो भी चुनेंगे। तो वैकल्पिक परंपरागत, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शनल में आपके सिलेबस को ही चुनना पड़ेगा। तो ऐसे नियम तो यही होना चाहिए कि मतलब कोई भी जैसे PCS होता है तो उसमें कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिलेबस से रिलेटेड ही आपको चुनना पड़ेगा। तो ये है आपको GIT लेक्चरर के सिलेबस के विषय में। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम खंड 50 अंक, उसके बाद द्वितीय खंड हिंदी निबंध 50 अंक। तो आपको अगर बुक न समझ में आए तो आप अगर इलाहाबाद साइड में रहते हैं या आप पटना रहते हैं तो पटना में भी मिल जाएगा ऐसे राइटिंग का, PCS वाला ले लीजिएगा, और दिल्ली रहते हैं तो वहाँ भी मिल जाएगा, और कानपुर में भी रहते हैं तो वहाँ भी मिल जाएगा। रही तो छोटे मोटे मार्केटों में भी UPPCS का ऐसे राइटिंग उपलब्ध है, तो ऐसे राइटिंग की बुक हिंदी मांग लेंगे दे देंगे। रही बात तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर अपठित गद्यांश वगैरह का प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर कृषि उद्योग एवं व्यापार, प्राकृतिक आपदाएँ उनके निवारण, उसके बाद साहित्य संस्कृति राष्ट्रीय विकास, उसके बाद ये सब सब रहेगा ऑप्शनल में, तो आप जानते हैं। तो ऑप्शनल आप अपना पढ़ लीजिएगा, तो ऑप्शनल पढ़ लीजिएगा। इसमें से जो है कि 4 खंडों में रहेगा, पहले लघु उत्तरी मतलब अति लघु उत्तरी, इसके बाद लघु उत्तरी, इसके बाद बड़े वाले जिसे लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, उसके बाद छोटे छोटे रहेंगे, तो इसमें इस प्रकार से आपका डिवाइड रहेगा। देखिए खंड अ में 5 सामान्य उत्तरी, उत्तरों की सीमा 250, अंक 25 का होगा। उसके बाद खंड ब में 5 प्रश्न लघु उत्तरी 150, जिसमें 15 अंक का होंगे। उसके बाद खंड स में अति प्रश्न लघुत्तरी रहेंगे, तो इसमें 50 खंड 10 अंक होंगे, तो इस प्रकार से आपका रहेगा। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी इसी प्रकार से 3 पार्ट में आपको रहेंगे। तो वैकल्पिक प्रश्न हमने बता दिया, मतलब इसके पहले सॉरी थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, तो वैकल्पिक प्रश्न के लिए ये रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे राइटिंग यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, तो निर्धारित 50 अंक, और उसके बाद 50 अंक सामान्य हिंदी, सामान्य निबंध 50 50 अंक। तो ओवरऑल 300-400 नंबर का ये हो गया, इसी पे मेरिट बनेगी। तो ये थी GIT लेक्चरर के मेंस की बात। रही बात तो जिन लोगों ने अभी तक क्लेम वगैरह नहीं किया है वो अपना जो भी क्वेश्चन है तो उसको क्लेम कर दे, ताकि उसको हो जाए, क्योंकि 0.1 और 0.2 से ही नंबर आगे पीछे होता है। 0.1 आप ज़्यादा पा गए, आप कई हज़ार लोगों को पीछे छोड़ देंगे। तो इसके बाद सिलेबस ये तो यहाँ पे नीचे पूरा दिया हुआ है। तो रही बात तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग लगभग वही है जो आपने प्री वाले में पूरा दिया था। तो जैसे आप जिनका होम साइंस है तो ये ह्यूमन ये सब तो इतना पूरा है। रही बात तो जिनका कॉमर्स उर्दू है, उसके बाद और है, तो ये सब उतना ही दिया हुआ है।
जैसे हिस्ट्री जिनका है तो उनका जियोग्राफी, और इसके बाद सी यहाँ पे सिविक सेक्शन ए, तो यहाँ पे सिविक सेक्शन ए सिटीजनशिप वगैरह ये सब जो पूछा जाता था सेक्शन बी में भी ये, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। संस्कृत, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी, उसके बाद और तो केमिस्ट्री, तो वही है सब। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स, ये। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।